मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिहाब भाई के बारे में कि आज सिहाब भाई कहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना सफर आज शुरू किया है या नहीं किया, और उनकी तरफ से क्या क्या जानकारी सामने आ रही है, वो सब कुछ मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिहाब भाई से जुड़ी हर तरह की अपडेट मैं आपको इस चैनल पर दिखाता रहूं। तो आप जुड़ जाइए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब सिहाब भाई के हक में दुआ करते रहिए, जो कुछ परेशानियां उनके इस सफर में आ रही हैं वो दूर हो जाएं दोस्तों, और ये जल्द से जल्द अपने इस मंजिल को अपने सही वक्त पर पूरा कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मोहम्मद सिहाब भाई को अपने घर से चले हुए 159 दिन हो गए। 159 दिन पहले इन्होंने अपने घर वालों से विदा ली थी और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े थे 2023 का हज अदा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, 2023 भी अब आने वाला है और इन्हें अपने इस भारत देश के अंदर तकरीबन 5 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका। मैं आपको बता दूं, इन्हें अभी लगभग 4 से 5 देशों का और सफर तय करने के बाद ये फिर कहीं मक्का मदीने की ज्यारत करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, आज भी इन्होंने अपना सफर शुरू नहीं किया। आज भी इनकी वही लाइव लोकेशन है। ये इस वक्त उसी स्कूल में रुके हैं जो हम आपको 1 महीने से बताते चले आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने तकरीबन 46 से 47 दिन पहले यहाँ पर शरण ली थी, यहाँ पर ये आकर रुके थे। आपको बता दें, पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य का जिला है अमृतसर। अमृतसर जिले का एक गांव है शाखापिंड। ये शाखापिंड का एक स्कूल है आफ्या किड्स। ये इस स्कूल में रुके हुए हैं और यहाँ पर रुके हुए इन्हें तकरीबन 1.5 माह से ऊपर का वक्त बीत चुका। 2 महीने अभी इन्हें होने ही वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है जो कि जल्द से जल्द सिहाब भाई का सफर शुरू हो जाए। मैं आपको ये बता दूं, जो वीजे में बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने आ रही थी वो अभी सही तरीके से सोल्व नहीं हुई है। अगर सोल्व हो जाती तो ये अपने सफर को कब के शुरू कर देते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सिहाब भाई के हक में दुआ करते रहिए, जो कुछ परेशानी इनके सफर में आ रही है वो दूर हो जाए ताकि ये सही वक्त पर सही टाइम पर 2023 का हज अदा कर पाएं।